मेरा नाम उस्मान मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ITS। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से React Native का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं एमुलेटर पे, और दूसरे नंबर पे हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हैं React Native के अंदर। इसके साथ साथ हम लोग फोल्डर मैनेजमेंट भी परफॉर्म करेंगे React Native की ऐप के अंदर, ताकि उसमें हमें कभी भी कोई फाइल अगर ढूंढनी पड़े तो हम उसको ईजिली फाइंड कर सकें। उसके बाद इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है React Native Navigation, और इसके अलावा एक और पैकेज हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है Stack Navigation। इन दोनों पैकेजेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के साथ साथ इनको यूज़ करने का तरीका भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने VS Code की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ऑन कर लेंगे, और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने एक एमुलेटर भी ऑन कर लिया है। एमुलेटर आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था माय रिएक्ट नेटिव ऐप के नाम से, इस प्रोजेक्ट को आपने VS Code में ओपन कर लेना है। लास्ट वीडियो में हमने इसको ओपन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो वीडियो देखें। उसमें आपको जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का तरीका भी बताया गया है, रिएक्ट नेटिव की जो सेटअप इंस्टॉलेशन है वो भी बताई गई है। आप उसको देख के अपनी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जे हम प्रेस करेंगे, जिससे हमारा टर्मिनल जो है वो VS Code के अंदर ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यार्न स्टार्ट की कमांड रन करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास हमारा पैकेज, हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो React Native का प्रोजेक्ट है, ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके साथ ही हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम लोग इसको या तो किसी फिज़िकल डिवाइस के साथ इस QR कोड को स्कैन कर लें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एमुलेटर के लिए, यहाँ पे हम A जो है उसको प्रेस करेंगे एंड्रॉइड के लिए, W प्रेस करेंगे वेब के लिए, और अगर हमने इसको iOS पे ओपन करना है तो उसके लिए हमें iOS की डिवाइस पे जो है वो कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हम लोग इसको एमुलेटर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ए को प्रेस करूँगा। जैसे ही हम लोग ए प्रेस करेंगे तो हमारा जो एमुलेटर है इसके ऊपर हमारा जो एक्सपो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे ही एक्सपो ओपन होगा तो साथ ही बंडलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बंडलिंग का मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है अब इस एमुलेटर के ऊपर जो है वो रन हो रहा है। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, आज हम लोग पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग React Native ऐप को जो है वो रन करने का तरीका देखेंगे। सेकंड नंबर पे हम मैनेज फोल्डर डायरेक्टरी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिएट मल्टीपल स्क्रीन्स जो है वो करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव नेविगेशन पैकेज करेंगे। इसके साथ हम लोग इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने का हमें बेनिफिट ये होगा कि हम इससे मल्टीपल स्क्रीन्स के दरमियान जो नेविगेशन है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने VS Code पे मूव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे एमुलेटर पे हमारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें, आपकी स्क्रीन पर ओपन अप ऐप डॉट जे एस स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब कि हमारी ऐप जो है वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करेंगे और हम अपने स्क्रीन को जो टर्मिनल है इसको क्लोज़ कर देंगे। हम टर्मिनल को क्लोज़ करेंगे ना कि अपने जो टर्मिनल है इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने से क्या होगा कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग नहीं करेगा, सर्वर से वो जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड जो हमारे पास एक मैसेज है हम इसको लिखेंगे और उसके बाद साथ ही हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और हमारा जो एमुलेटर है उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो साथ ही सेव हो जाएगा। हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसको रिफ़्रेश करेगा। जैसे ही हम यहाँ से कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे वो उसको रिफ़्रेश करेगा और रिफ़्रेश करने के साथ ही हमारी एडिटिंग जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी।